भाई फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जहाँ पे मे है ना, मे में डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में मे का क्या बन जाएगा? माइट। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पता लग गया। अब देखते हैं इफ वी हैव वीक पर्पस, मतलब हमने एक घंटे को काम किया सो देट कि दूसरे घंटे में रिजल्ट मिल जाए, ये हो गया हमारा वीक पर्पस, समझ रहे हो है ना। या एक दिन हमने इसलिए काम किया सो देट कि दूसरे दिन हमें रिजल्ट मिल जाए, ये वीक पर्पस होता है। एक एक्शन किस लिए हुआ? सो देट कि जल्दी रिजल्ट आपके साथ हो, तो वीक पर्पस के लिए हम माइट लगाते हैं। Like he ran fast so that he might catch his friend. तो उसने तेज दौड़ने का ऐसा तो है नहीं कि पूरा साल दौड़ा है वो बेचारा, नहीं थोड़ी सी देर दौड़ा so that he friends को पकड़ सके, है ना। He played well so that he might win appreciation. कि उसने अच्छा खेला so that उसे appreciation मिल जाए। ये अच्छा खेलने का जो process है वो बहुत थोड़ा time का था, यानी कि एक छोटा goal, long term goal नहीं है, short goal. Okay. Okay, she wore new clothes so that she might look beautiful. Next, remote possibility. वो क्या थी? Weak possibility, near possibility की अभी ये हुआ ऐसे करके साथ के साथ रिजल्ट आ जाते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट लग, है ना, वो शॉर्ट पॉसिबिलिटी के लिए था पिछला मे के साथ। शी हैज नॉट ही हैज नॉट वर्कड हार्ड बट ही माइट पास द एग्जामिनेशन। उसने मेहनत नहीं की पर क्या पता पास कर जाए एग्जामिनेशन। रिमोट पॉसिबिलिटी माइट, शी इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत करे, शी माइट विन द स्कॉलरशिप। आने वाले टाइम में क्या पता स्कॉलरशिप जीत जाए। सला इज नॉट अटेंडिंग माय बर्थडे पार्टी बट शी माइट सेंड मी द गिफ्ट, राइट। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट। नाउ इफ वी हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो डायरेक्ट में मे है तो अगर मे में पॉसिबिलिटी लगेगी ऑब्वियस है ना, इनडायरेक्ट में वो माइट में चेंज हो जाएगी। लाइक द टीचर सेड दैट द नेक्स्ट सैटरडे माइट बी अ हॉलीडे। अब ऑफ कोर्स डायरेक्ट में मे बी अ हॉलीडे, इनडायरेक्ट में आ गया तो माइट बी। सिमिलरली अगर परमिशन लेनी है मे आई कम इन, या जो भी अगर परमिशन लेनी है तो अगर डायरेक्ट में हुआ है तो इनडायरेक्ट में माइट में हो जाएगा। लाइक द टीचर सेड दैट यू माइट गो फॉर अ पिकनिक, यू मे गो फॉर अ पिकनिक, यू माइट गो फॉर लाइक दिस, है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है। फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। फ्यूचर कंडीशन कहने का मतलब है आप समझ सकते हो यहाँ पे फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस कि वो है नहीं, अगर मेरे पास होगा तो मैं ये करूंगा, इस कंडीशन में माइट लगाते हैं। If he gets money, अगर उसको पैसे मिले, he might go to India. अभी वो गया नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर अगर आए, फ्यूचर की कंडीशन बता रहे हैं कि अगर ऐसा फ्यूचर में हुआ तो फिर वो तो पक्का होगा। लाइक दिस, इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगी, शी माइट टॉप द क्लास। इफ यू प्ले वेल, दे माइट डिफीट द विजिटिंग टीम। विश है तो जैसे कि गॉड ब्लेस यू है ना, गॉड ब्लेस यू है, तो उसकी जगह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा? माइट आ जाएगा। जैसे हियर द ओल्ड मैन ब्लेस मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मे लिव लॉन्ग की जगह माइट लिव लॉन्ग इनडायरेक्ट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट